हेलो दोस्तों, स्टॉक स्प्रिट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन पर लॉकडाउन का या ओमिक्रॉन वायरस का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह स्टॉक्स लॉकडाउन के दौरान भी ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे पिछले दिनों इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। आज हम 6 सेक्टर के 13 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला सेक्टर होगा IT सॉफ्टवेयर का सेक्टर। इस सेक्टर में हमारी पहली कंपनी होगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है जो लो रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो 42.5 है, इसका PB रेशियो 15.82 है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 38.03% है, इसका अर्निंग पर शेयर 98.52 रुपीज़ है, इसका एबिटा 48,462 रुपीज़ है। हमारी दूसरी कंपनी है कैल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है और हाई रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो 8.65 है, इसका PB रेशियो 1.46 है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है, इसका अर्निंग पर शेयर 7.38 है, इसका एबिटा है 112.5। हमारी तीसरी कंपनी है ट्राइजन टेक्नोलॉजी। यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है और हाई रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो 8.02 है, इसका PB रेशियो 0.89 है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11.71% है, इसका अर्निंग पर शेयर 17.02% है और इसका एबिटा है 94.82। हमारा दूसरे सेक्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल्स। इस सेक्टर की हमारी पहली कंपनी है सन फार्मा। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है जो लो रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो 68.80 है, इसका PB रेशियो 4.04 है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.33% है, इसका अर्निंग पर शेयर 25.94 है, इसका एबिटा है 5020.75। हमारी दूसरी कंपनी है एलेम्बिक लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो मॉडरेट रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 7.7, इसका PB रेशियो है 1.15, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.46%, इसका अर्निंग पर शेयर है 12.72, इसका एबिटा है 21.34। हमारा तीसरा सेक्टर है FMCG का सेक्टर। इसकी पहली कंपनी है ITC। इसको लोग टोबैको कंपनी के नाम से जानते हैं, पर इस कंपनी का FMCG बिजनेस भी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है जो लो रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 20.19, इसका PB रेशियो है 4.71, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.95%, इसका अर्निंग पर शेयर है 11.6, इसका एबिटा है 210.92। हमारी दूसरी कंपनी है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह स्मॉल कैप की कंपनी है और हाई रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 18.8, इसका PB रेशियो है 2.71, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.81%, इसका अर्निंग पर शेयर है 25.16 और इसका एबिटा है 86.81। हमारी तीसरी कंपनी है मैरिको लिमिटेड। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है जो लो रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 55.74, इसका PB रेशियो है 20.05, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 37.43%, इसका अर्निंग पर शेयर है 9.23, इसका एबिटा है 1696। सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। इस सेक्टर की हमारी कंपनी है भारती एयरटेल। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है जो लो रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है -29.10, इसका PB रेशियो है 5.4, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है -38.41%, इसका अर्निंग पर शेयर है -12.27,
इसका एबिटा है 41,063.9। सेक्टर है इंश्योरेंस का सेक्टर। इस सेक्टर की हमारी पहली कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यह लार्ज कैप की कंपनी है और लो रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 95.15। इसका PB रेशियो है 14.99। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.62%। इसका अर्निंग पर शेयर है 5.57 और इसका एबिटा है 1679.36। इसी सेक्टर की हमारी दूसरी कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। यह एक मिड कैप की कंपनी है और हाई रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 13.53। इसका PB रेशियो है 0.87। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.90%। इसका अर्निंग पर शेयर है 6.08। इसका एबिटा है 2162.43। इसी सेक्टर की हमारी तीसरी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक मिड कैप की कंपनी है और मॉडरेट रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 11.79। इसका PB रेशियो है 0.89। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.94%। इसका अर्निंग पर शेयर है 14.62। इसका एबिटा है 3084.26। हमारा अगला सेक्टर है हेल्थ केयर का सेक्टर। इस सेक्टर की हमारी टॉप कंपनी है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो मॉडरेट रिस्क के साथ में आती है। इसका PE रेशियो है 12.59। इसका PB रेशियो है 10.04। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखने लायक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 1060.13%। इसका अर्निंग पर शेयर है 317.24 और इसका एबिटा है 358.83। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 13 कंपनियां। ये ऐसी कंपनियां हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं, क्योंकि लॉकडाउन में IT सेक्टर, FMCG सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर कभी नहीं रुकता है। इसलिए आज मैं आपके लिए टॉप 13 कंपनी लेके आया हूँ इन्हीं 6 सेक्टर्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन कंपनियों पर इंटरेस्टेड होंगे और फोकस बना के रखेंगे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर भी मैं लाइव मार्केट के दौरान डेली अपडेट देता रहता हूं।